और रात को सौरभ ने बोला चलो ये वाला खाते हैं। बहुत दिन मतलब मैं पिछले साल शायद खाई थी, वो भी रोल खाए थे। यहाँ पे रोल अलग तरीके से अलग स्टाइल में थोड़ा बनता है। और ये बन रहा है मुगलाई पराठा। मुगलाई पराठा भी यहाँ पे अलग तरीके से बनता है, चिकन मुगलाई टाइप का है। मतलब अंडा चिकन का जो ग्रेवी होता है वो मिक्स करके उसके बाद जो रुमाली रोटी टाइप का बना के उसके अंदर इस तरह से भर के और उसको फ्राई किया जाता है। टेस्ट भी मसाले वगैरह थोड़ा अलग होता है ना, इसीलिए टेस्ट भी अलग होता है। जो मुंबई पे मिलता है उसका स्टफिंग भी एकदम ही अलग होता है। फूड ऐसी एक चीज़ है, बनता तो एक ही स्टाइल में है लेकिन हर जगह का अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है। जैसा यहाँ पे जो रोल होता है चिकन रोल, उसका चिकन का ग्रेवी टाइप का बनता है। नॉर्मली मुंबई पे ज़्यादातर जो मिलता है, मतलब बंगाली स्टाइल बोलो तो वो काठी रोल मिलता है, वो कबाब टाइप का रहता है। लेकिन ये वाला एकदम ग्रेवी टाइप का बहुत कम जगह पे मिलता है मुंबई पे। और अनियन क्यूकम्बर थोड़ा गाजर भी रहता है। वहाँ पे दो सॉस दिया था, एक गार्लिक चिली सॉस और एक शायद टोमेटो सॉस होगा। मम्मी नॉर्मली रोल वगैरह बहुत कम खाती है, शायद ही मतलब बहुत रेयरली। लेकिन आज मम्मी को चिकन रोल और मुगलाई पराठा बहुत पसंद है तो मुझे एक खुशी मिली है। ये तो गैस ना इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि उसका होल इधर है, मतलब यहाँ से शुरू होगा। लेकिन ये हिलने के लिए कुछ दिन में कल करूँगी इसका बंदोबस्त। बर्तन धोना भी हो गया, ये कौन सा ध्यान हो रहा है हिमालय पे, तुम ध्यान कर रहे हो? देखो बेचारा, एक बूंदू को छोड़, बूंदू को छोड़, बेचारा पिचक गया। ओए बूंदू को छोड़ छोड़ बेचारा, बाप रे बेचारे को दबा के। कब से बैठ के 10 से 15 मिनट हो चुका है। और अभी हम लोग आए थे मार्केट में, कुछ काम था और मेडिसिन वगैरह ले लिया। लेकिन एक मेडिसिन नहीं मिला तो फिर से शायद शांतनु जाएगा। और यहाँ पे एक मंदिर है, काली मंदिर, ये शिशु बागान के वहाँ पे। तो मम्मी जब जय मंगलवार चंडी का जो पूजा होता है तब करने आते थे, तब मम्मी के साथ बचपन पे हर मंगलवार को ज्येष्ठी महीना का यहाँ पे आती थी। बहुत पुराना मंदिर है, ऐसे तो आती थी लेकिन हर मंगलवार ज्येष्ठी महीना में यहाँ पे बहुत भीड़ होता है। तो वही मंदिर पे प्रणाम कर ले। रसगुल्ला है ले लो, बूंदी चाहिए बूंदी, बूंदी बूंदी ले लो। और क्या मिठाई है? और मिठाई के दुकान पे छोटा छोटा जो चूहा है ना, बहुत सारे मैंने देखा, इधर उधर घूम रहा था। तो मैंने उनको पूछा, जो पैकेट वगैरह काट नहीं देते, बोला हाँ काटते हैं, क्या करें अभी चूहे से मतलब छुटकारा ना पाना तो मुश्किल है। खाना वगैरह तो ढका रहता है लेकिन जो पैकेट फूड है वो तो काट के खाते हैं। बस्ता में क्या लेके जा रहे हो मम्मी? सोना एयर इंडिया के पास भी फ्लाइट नहीं है, ये बेड ज्यादा है। बड़ा भाई ढुके देवे चलो पैकिंग सेकंड चल रहा है। क्या से आपेल ओए कोटा आपेल ले चल ना बाप से आपेल पकड़ा ने एकदम ओए आपेल एक मास से मन है भाई। अब भी 6-7 ना 7-8 आपेल है छोटे छोटे, वो लेके जा रहे, बोल रहे वहां पे बहुत प्राइस है ज्यादा। और वो आपेल के लिए अगर 1 किलो ज्यादा हो गया तो मुझे एयरलाइंस को 1000 रुपये देना पड़ेगा। सोचो छुपा छुपा के घुसा रही है। ट्रेन होने ठीक है, एक गाड़ी तुम्हें ढूंढी ना। बाबा ढूंढा दी थी तूने। एक बस एक आज सोयाबीन अनियन देख के
मिर्ची देके हाँ मस्त लगा, खुशबू आ रहा था। गर्मी क्या है यहाँ पे खाया जा रहा है ये झींगे, मतलब पूरे जो होता है ना छोटा छोटा फैन का आवाज आ रहा है, बात करूंगी तो बंद हो जाएगा। तो वो झींगे का खुशबू आता है, मैं बोला थोड़ा सा पूरे लेके जाओ। हम कह रहे हाँ मम्मी का खाना हो गया, छुट्टी का भी हो गया, तो हम लोग फटाफट खाते हैं। रूम पर ये वाला सब्जी मैं बनाऊंगी जाके। यहाँ पे अभी चल रहा है तैयारी, पैकिंग। हाँ वो नहीं मिलता वहाँ पे, यहाँ पे ये हो गया एक। इसमें कुछ खाने का सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है। पैक कर, पैक कर, बंद करो, पैकिंग करो। वजन भी चेक करना है, वजन तो यहाँ पे तो वेट मशीन में नहीं, क्योंकि पीछे ही जाएगा तुम्हारे से। चलो जाके फिर प्यूरी बना लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलो सब रेडी की। और देखो क्या क्या पार्सल लेके जा रहे हैं। लीची क्या? लीची अब तुम्हारा काम। ये कहाँ घुसेगा ये लीची? और यहाँ पे एक और बैग, तो सब चार बैग ये सब रेडी करें जल्दी जल्दी में। चलो भाई सब रेडी है, अभी सौरभ भी आ रहा है। ये पूरा सभी लोग बाद में रूम पर सब ठीक करेगी क्या? मम्मी भी तैयार है, हम की बोल लो गुस्सा कर लो। फ्रिज को खोल के जा रहे क्योंकि फ्रिज फंगस हो जाता है। मम्मी 10-15 दिन में कितना कुछ हो जाए मिठाई। सो यही तो सबसे इम्पोर्टेंट। जाने के टाइम इतना हड़बड़ी हो गया, टाइम तो पता था लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था शाम को है तो शाम को लेट करके जाएंगे, लेकिन निकलना तो 2 घंटा पहले नहीं पड़ता है ना, तो वही फ्रिज का सामान के रूम, मैंगो का सब्जी। बस आज तो रूम पर दावत बनाएगी। अरे फ्रिज खाली होने से रहते ही होता है। चलो चलो जल्दी करो। हड़बड़ी के चक्कर में ना मैं नंगे पैर ही निकल रही थी, उसके बाद कह रही शूज पहनना है तो सूरज को भी अंदर डाल दिया था, फिर से निकाला। और मम्मी के सारे पड़ोसी अब बहुत अच्छे हैं, कहावत है पड़ोसी अब बहुत नसीब से मिलता है। सच में इतने अच्छे पड़ोसी है, मतलब एकदम घर के जैसा, मतलब लगता ही नहीं है। हाँ पहली बार मुलाकात हो रही मेरे साथ, तो बेसिकली पहली बार मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लगा। चलो 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 चल रूम्बा, बाय बाय। पूरा यहाँ पे सीट वीट में हो गया एडजस्ट, सब हो गया एडजस्ट। चल सब यहाँ पे ठूस के बैठ गया, पूरा लगे जा रहे हैं। Gotta say you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. 'Cause I got the system, my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one. So who ya? वेट कर रहे हैं सौरभ, और यहाँ पे सब पिकअप के लिए सब पूरा जैम कर दिया, पूरा जैम कर दिया। ये पिकअप के लिए अलाउड नहीं होना चाहिए ऐसे करके अलाउड भी नहीं है। और सौरभ पार्किंग करने के लिए गया था तो सौरभ बीच में बहुत ज़्यादा, हम भी इमोशनल हो गए थे, सौरभ भी इमोशनल हो गए। इतना दिन अच्छा लग रहा था, बचपन में ही ये सब दिन गुजारे, उसके बाद तो सब अपने अपने काम में इतना बिजी हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। सौरभ को बहुत दिनों बाद इतना इमोशनली देखा, स्पेशली शांतनु के साथ उसका बॉन्डिंग हुआ है। इसके पहले जीजाजी जैसे ऐसे ही बॉन्डिंग होता है, लेकिन एक बॉन्डिंग जो हाँ दिल के खुल के सब कुछ बात कर सकते हैं, ऐसा वाला बॉन्डिंग पहली बार शांतनु के साथ हुआ। मेरे साथ तो देखो उसका बचपन से ही एक के साथ हम लोग पले बड़े जैसे ही है, मुझसे थोड़ा सा ही छोटा है वो। इतने साल शादी के बाद सौरभ के साथ शांतनु का जो रिश्ता अभी बना है, भगवान के पास यही
प्रे करूंगी इसको किसी का ना नजर लगे और आपका ब्लेसिंग हमेशा रहे ये रिश्ते के ऊपर। कच्ची काजू फ्लेवर रसगुल्ला और मलाई चमचम है यहाँ पे है और वापस आंदे से और भी मिठाई है। मिठाई सब देख के बहुत बड़ा ही टेम्पटिंग लग रहा है। ये देखो और भी मिठाई है, रसगुल्ला। फ्लाइट अभी एक घंटा डिले, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया। बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद तब देख रहा हूँ कि बोर्डिंग कार्ड में मेंशन किया हुआ है एक घंटा डिले पे। क्या एयरलाइंस भाई, इन्फॉर्म तो किया करो पैसेंजर को। क्या बोल रही थी, लंबा लाइन पे कौन खड़ा रहेगा? अरे ट्रेन छूट जाएगा स्वीटी, अरे छूट जाएगा, इसीलिए तो खड़ा रहना पड़ेगा। चल बैग रखने के, हाँ जिनका जितना बड़ा बैग, तुम्हारा भी बैग है इतने सारे, मेन होता है बैग रखने के। सीट तो कोई नहीं ले सकता, नहीं रुमाल फाद देंगे रुमाल। मम्मी लास्ट टाइम फ्लाइट चढ़ी थी मेरे फादर के साथ पापा के साथ, जब लास्ट टाइम मुंबई से रानीगंज गए थे 2015 में। उसके बाद मम्मी जब भी आती थी ट्रेन पे ही आती थी। चलो इवनिंग वॉक, इवनिंग वॉक यहाँ से, ये एक अलग एक्सपीरियंस है ये एयरपोर्ट का, है ना? ये एक अलग एक्सपीरियंस, यहाँ से पैदल जाके वहाँ पे जहाज है। और फ्लाइट पे सब अलग अलग जगह पे, मम्मी और मैं ही एक ही जगह पे सीट मिला था। बाद भी मम्मी को बोलती थी फ्लाइट में आने के लिए, लेकिन एक इमोशनल हो जाता है ना, पापा के साथ लास्ट टाइम गए थे उसके बाद। और ये जो जैकेट देख रहे हो, ये जैकेट भी मम्मी को पापा ने ही खरीद के दिया था फ्लाइट में जाने के लिए। मम्मी जैकेट लेके वाला कहीं ठंडा लग रहा था, अभी लैंड भी कर गए। बाद बीच में मम्मी के साथ गप्पे करते करते कोई अगर रहता ना साइड में गप्पे करने वाला तो मस्त होता, बस पूरा टाइम निकल गया। और मम्मी का तबीयत ऐसा ठीक है, लेकिन वो पैर में थोड़ा सा दर्द होता है, वो होता है ना नस खिंच जाता है वैसा वाला, उसका एक्सरसाइज दिया है। वो थोड़ा टाइम तो लगेगा, कुछ साल तो लगेगा, धीरे धीरे वो भी पहले जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि मम्मी तब भी सब कुछ ही करती है, खाना बनाने से लेके सब कुछ ही करती है। लेकिन मम्मी को इतने सालों बाद फ्लाइट में लाना, मतलब मैं सोच रही थी पता नहीं मम्मी को कैसा फील होगा, लेकिन मम्मी को नॉर्मली सब कुछ ऐसे ही फील हुआ। लेकिन मुझे वो सब दिन याद आ रहा था जब पापा गए थे लास्ट टाइम। मिल गया बैग, इधर है दुटो, चलो दो तले दुटे नीना, दुटे नीना तले मिष्टी तो आया है भाई, ओटा मिष्टी है सिटी की वाला गाड़ी के लिए वेट कर रहे। बाप रे बाप, एक तो चल चल के इतना पैर दर्द हो गया। किधर है? घर पे? गर्मी लगेगा।